जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना खान साहब। मैं आज यल्ली दूध पिसवी की गाड़ी लोड करने जा रहा हूँ। मैं जैसे निकला फोन आया, फोन उठाया और बच्चे बोलते हैं कि खान साहब हमारी 3-4 दिन से आपसे बात हो रही है, हमें दूध पिसवी यल्ली का काम करना है। तो मैं बोला यार काम करना है तो यार वीडियो दिया है, वीडियो में देख लो यार कैसा करना है, सीख जाओ उसमें। तो बोला नहीं खान साहब, मुझे खुद आके आपके आपके हाथों से आपके से सीखना है। वो बच्चे बोले कि खान साहब मैं नज़दीक हूँ, इधर ही नज़दीक हूँ, मैं जल्दी आ जाऊँगा। तो बोला ठीक है आ जाओ। जैसे बच्चे आए उनको देखा तो यार तीनों बच्चे कम से कम 18-19-20 साल के थे। तो मैं बोला इतनी कम उम्र के बच्चे और बिजनेस में आना चाहते, मुझे भी अच्छा लगा। लेके गया उनको, लेके गया जिस जगह माल रखा है वहाँ लेके गया। तो हमारे जो वर्कर पहले से बैठे थे उन्हें बोला भला भाई आज आपकी छुट्टी, आज जाओ आप लोग घर पे। ये तीनों बच्चों को मैं काम पे लगा दिया। दूध पिसवी निकाला कैसे जाता, सुखाया कैसे जाता, कैरेट कैसे लगाए, सारी टेक्निक बताया। बच्चे खुश भी हैं, खुशी से काम कर रहे हैं, अच्छे ढंग से पूरा काम किया, सारे सीखे। यहीं से पूरी गाड़ी लोड करवाया। पूरी गाड़ी लोड करवाने के बाद 500 रुपए के हिसाब से इन बच्चों को मैं पैसा देने लगा था। बच्चे लेने के तैयार नहीं हुए, बोले खान साहब मैं आपसे बिजनेस सीखने आया हूँ, मैं आपसे पैसा लेने नहीं आया हूँ। मैं बोला नहीं यार, ये आज आपकी ये पहली रोजी की कमाई है, पहली कमाई है मेहनत की, खून पसीने से तुमने अपना पसीना बहाया है इस सीखने में, इतनी मेहनत की कमाई है, ये तुझे लेना ही पड़ेगा। तब जाके वो बच्चे पैसा लिए और आगे देखिए हमारी गाड़ी कैसे लोड हुई। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, खान साहब ने जो कहा वो करके दिखा रहे हैं इस वीडियो में। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो तरुण बच्चे हैं इन्हें खान साहब मार्गदर्शन दे रहे हैं किस तरह सेग्रीगेट किया जाता है, शॉर्टिंग किया जाता है और किस तरह पैकिंग की जाती है। शॉर्टिंग, सेग्रीगेट और पैकिंग ये बहुत ही क्रूशल पार्ट होता है स्क्रैप लोडिंग के लिए। और आप देख पा रहे हैं ये दोनों जवान बच्चे मिल के खान साहब के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। यही तो उज्जवल देश का भविष्य है, जहाँ एक 60 साल का बुज़ुर्ग 19 से 20 साल के तरुण के साथ मिल के कदम से कदम बढ़ा रहा है। देश से बेरोज़गारी है भगाना, तो बिज़नेस को दिल से अपनाना, और अगर आप बिज़नेस को अपनाना चाहते हैं तो बिज़नेस करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं आप स्क्रैप का ही बिज़नेस करें, पर बिज़नेस करना ज़रूरी है। और ये बच्चों को जब खान साहब का मार्गदर्शन मिला तो इन्होंने 3 दिन में पूरे स्क्रैप को उसी तरह, पूरे LDPE मिल पाउचेस को उसी तरह सुखाया जिस तरह एक्सपीरियंस्ड कामगार लेबर्स करते हैं। और आप आगे आप देख पाएंगे कि जैसे जैसे ये माल सूख रहा है वैसे वैसे इन्होंने पैकिंग पे भी ध्यान दिया, और पैकिंग पे ध्यान देने के बाद इस कदर पैकेजिंग की कि आप देख सकते हैं पैकेजिंग के अंबार लग चुके हैं। एक एक बैग्स का, एक एक बोत का वज़न 50-65 पर केजी पड़ रहा है। और आप अभी अपने स्क्रीन के सामने देख पाएंगे कि हमारे जितने कामगार हैं ये खड़े होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं कि ये जवान बच्चे जिन्हें बिल्कुल भी अनुभव नहीं है और ये बच्चे करके दिखा रहे हैं। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये बच्चे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। कमर को कस लीजिए, अल्लाह की रज़ा के लिए कदम आगे बढ़ाइए और बिज़नेस कीजिए। भले वड़ा पाव का, चाउमीन का या फिर स्क्रैप का बिज़नेस ही सही, पर बिज़नेस बिज़नेस होता है। एम्प्लॉयर बनिए एम्प्लॉय बनने से बेहतर, क्योंकि हमें बचपन से एक बात सिखाई गई थी, इट्स बेटर टू बी एन एम्प्लॉयर देन टू बिकम एन एम्प्लॉय। ये बात को आप सबको गांठ माननी चाहिए और आपको अपना बिज़नेस शुरू करना चाहिए। एमएस ट्रेडर्स अल्लाह की रज़ा के लिए, फ़ी सबीलिल्लाह, जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सबको अल्लाह की रज़ा के लिए प्लास्टिक स्क्रैप की जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है। हम जानकारी फ्री में देते हैं, बिज़नेस फ्री में नहीं करते। और इस LDPE स्क्रैप को हासिल करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, LDPE स्क्रैप आपको हमेशा मिल्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मिलेगा। ये मिल्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में LDPE मिल्क पाउचेस आपको प्लांट वेस्ट मिल जाएंगे। प्लांट वेस्ट का रेट हमेशा डोमेस्टिक रोड वेस्ट से ज़्यादा होता है। तो प्लांट वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट स्क्रैप को हासिल करने के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होते हैं वो होता है आपके स्टेट का पोल्यूशन सर्टिफिकेट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसके साथ साथ आपको चाहिए GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और आपको चाहिए एक लेटर हेड जिसपे आप अपने कोटेशन को लिख के दे सकें। LDPE मिल्क पाउचेस की एक बात आप ध्यान रखें कि LDPE मिल्क पाउचेस में आप तभी काम कर पाएंगे जब आप बेशरम होंगे, क्योंकि LDPE मिल्क पाउचेस में सिर्फ 2 घंटे के लिए अगर कोई व्यक्ति काम करके आता है ना, तो
तो उसके बदन से इतनी गंदी बदबू आती है कि अगर दिन में वो 4 बार भी नहाले तो बदबू नहीं जाएगी। और कई बार तो ये भी अनुभव किया गया है कि आपकी बीवी आपके पास में नहीं सोएगी, आपका बच्चा आपके पास में नहीं आएगा, इतनी गंदी बदबू आती है। और अगर आपको यकीन ना आए तो आई बटन पर क्लिक करके इससे पहले वाला LDP मिल्क पाउचेस का वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि कीड़े से लेके सड़ी हुई दूध की जो दुर्गंध होती है वो दुर्गंध कितनी बेकार होती है। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये LDP मिल्क पाउचेस की जो स्क्रैप होते हैं और जितने भी LDP के प्लांट वेस्ट स्क्रैप है, उसके लिए हमारा एक फिक्स क्लाइंट है जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है 2 साल का, 10 लाख रुपये उसका डिपॉजिट हमारे पास है। तो जो कंपनी उसके एग्रीमेंट के अधीन आती है उस कंपनी के स्क्रैप हम दूसरे व्यापारियों को नहीं दे पाते, पर जितनी भी नई कंपनी के स्क्रैप्स हमारे पास LDP के अवेलेबल होते हैं वो हम यूनिवर्सली सबको दे सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं बिज़नेस इंक्वायरीज़ के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने कैटलॉग लिंक भी दिया, उस कैटलॉग लिंक में आपको हमारे पास जो स्क्रैप अवेलेबल है उसका आपको रेट मिल जाएंगे, उसके फ़ोटोज़ मिल जाएंगे, वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, और रेट में GST इंक्लूड नहीं होगा, रेट में ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड नहीं होगा और लेबर लोडिंग चार्जेस इंक्लूड नहीं होंगे। तो अगर आप हमारे साथ बिज़नेस करना चाहते हैं तो भी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, और अगर आपको बिज़नेस की जानकारी चाहिए फी सबिल्लाह तो भी अल्लाह की रज़ा के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। और जिन लोगों को ये नहीं पता प्लास्टिक स्क्रैप के लिए मिल्क डेरीज में अप्रोच कैसे करते हैं, उनको मैं ये जानकारी बता दूँ कि आपको मिल्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब ढूंढने की आवश्यकता पड़े तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि मिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ वही होनी चाहिए जो दूध, घी, दही, छाछ, पनीर और अन्य दूध के प्रोडक्ट्स बनाती हो, वही मिल्क मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जहाँ पे आपको LDPE के मिल्क पाउचेस अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने इस वीडियो में शुरुआत में बताए हैं वो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो आपको सबसे पहले मिल्क मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के परचेज डिपार्टमेंट को अप्रोच करना है और वहाँ के परचेज ऑफिसर से मिलके आपको उसे अपना कोटेशन कोट करना है। पर कोटेशन कोट करने से पहले जाके प्लास्टिक स्क्रैप LDPE मिल्क पाउचेस के एक बार देख के आइए, अगर वो छूटे हैं यानी कि छुट्टे लूज़ माल है और उसमें नमी है, उसमें बदबू है और उसमें गंदगी है, कीड़े हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप उसे 5 रुपये प्रति केजी से 9 रुपये प्रति केजी तक का रेट दें। ऐसे रेट देने से आपकी कॉस्टिंग बैठ जाएगी क्योंकि जो लेबर चार्जेस आपको लगते हैं 3 से 5 दिन काम करने के लिए, उसके बाद इसे ड्राई करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं कवरअप के लिए आपको ये रेट देना अनिवार्य है। अगर आप ये रेट देते हैं तभी जाके जो है आप 2 पैसे का लाभ कमा पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो LDPE मिल्क पाउचेस का सेलिंग प्राइस होता है वो 30 रुपीज़ से अप टू 65 रुपीज़ पर केजी तक वेरी करता है, और ये वेरी करता है कि आप किस तरह इसे प्रोसेस कर रहे हैं, कितने अच्छे से आप धो रहे हैं, कितने अच्छे से इसको सुखा रहे हैं और इसको ग्राइंड करके आगे बेच रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आपके कॉन्टैक्ट कितने अच्छे हैं, इसी के बुनियाद पे आपकी प्राइस रेट निर्भर होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा और आपके ज्ञान में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हुई होगी। ऐसे भी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप ऐसे ही बिजनेस वीडियोस के प्लेलिस्ट देखने के लिए स्क्रीन पे दिए गए प्लेलिस्ट को आप प्ले कर सकते हैं। मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आजम आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके हमारी हिम्मत बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं और अपना साथ होने का एहसास दिलाएं, और कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना ना भूलें क्योंकि आपका फीडबैक हमसे मोहब्बत करने का सबूत है। तो अभी के लिए मैं आपका भाई मोनिश इब्ने आजम आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।